Assalamu alaikum, beautiful people. Welcome back to eSabak. Myself Rehan, and today we are here with a new tutorial. So guys, in this tutorial we are going to discuss the development of geography in India. How geography got developed in India. So the development of geography in India is divided into three periods: the ancient period, the medieval period, and the modern period. And if we talk about the ancient period, it is the period of Indus Valley civilization. Secondly, it is the Vedic period, which include early Vedic period and later Vedic period. And then comes the medieval period. During the medieval period, Indians apply the knowledge of geography in trade and commerce. India also comes in contact with Arabs. Medieval period mein kya hua? India aur Arab ke relation bahut acche ho gaye the aur trade hone lagi dono countries mein. और फिर क्या हुआ, जो अरब के स्कॉलर थे, जो ग्रेट स्कॉलर थे, वो इंडिया आने लगे. यहाँ पे उन्होंने स्टडी की और यहाँ पे जो एकेडमिक ज्योग्राफी थी उसका लिटरेचर और इंक्रीज कर दिया. और फिर हम स्टडी करेंगे मॉडर्न ज्योग्राफी. इनफैक्ट आज के ट्यूटोरियल में हम मॉडर्न ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे, कितने फेजेज़ में डिवाइड है मॉडर्न पीरियड. और आपको बता देते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हम फ्यूचर में जो भी वीडियो अपडेट करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मॉडर्न पीरियड. डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड इज डिवाइडेड इनटू फोर स्टेजेस और फोर फेजेस: फॉर्मेटिव स्टेज, इनफॉर्मेटिव स्टेज, कन्फॉर्मेटिव स्टेज एंड देन रिफॉर्मेटिव स्टेज. अब हम पहले पढ़ लेते हैं फॉर्मेटिव स्टेज को. दिस इज द फेज ऑफ डेवलपमेंट इन ज्योग्राफी बिफोर इंडिपेंडेंस. अब इस स्टेज में क्या हुआ, जो ज्योग्राफी थी वो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस की स्कूल लेवल पे. एंड इट वाज इन 1920 द ज्योग्राफी रीचेज द यूनिवर्सिटी लेवल. अब अंडर ग्रेजुएट लेवल तक ज्योग्राफी पहुंच चुकी थी उस टाइम. ज्योग्राफी इंडो पाक की तीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही थी, थ्री यूनिवर्सिटीज़: यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इन 1920, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना इन 1927 एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1924. थ्री प्रोमिनेंट फ्रेंच यूनिवर्सिटीज ट्रेनर, तीन स्कॉलर जो थे जो बाहर से पढ़ के आए हुए थे फ्रेंच यूनिवर्सिटी से, जिनमें थे आर एन दोबे, एम एच रमन एंड एस पी चटर्जी. जब ये बाहर से पढ़ के हुए थे, ये हाईली क्वालिफाइड और हाईली ट्रेंड थे. तो इन्होंने जो इंडियन ज्योग्राफी थी जब मॉडर्न पीरियड में, तो इन्होंने इसकी बेस रखी और यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी. विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि इन तीन स्कॉलर्स के अलावा और भी लोग थे जिन्होंने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, जिन्होंने ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन दी, जिनमें थे एन ए कौर, आर के दीक्षित. इन लोगों की भी ज्योग्राफी में अच्छी ओरिएंटेशन रही. इसके अलावा ब्रिटिश ने और ट्रेंड स्कॉलर प्रोवाइड किए, जिसमें मोहम्मद शफी थे, सी डी देश पांडे थे, जिन्होंने रीजनल ज्योग्राफी की बुनियाद रखी इंडिया के अंदर. और अगर हम फॉर्मेटिव स्टेज में 1920 से 1947 तक देखें तो ज्योग्राफी की डेवलपमेंट इंडिया के अंदर बहुत स्लोली हो रही थी. तीन यूनिवर्सिटी थे, लेकिन 1947 में क्या हुआ कि फोर यूनिवर्सिटीज़ आ गई. ज्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज़ 1947, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट चार और नई यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस की गई: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वाराणसी यूनिवर्सिटी एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी. And within a short period of time, PG in geography was also started at Agra University, Chandigarh University and Patna University. So in teen university mein bhi geography as a subject introduced hogi. Jab naye naye universities mein geography add introduce hoti gayi to zahir si baat hai naye naye scholar bhi add hote gaye isme. Is time kya hua, Professor Chaber, Professor MS Ali, Professor NK Bose, inhone bhi geography department ko join kiya. और इन्होंने ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह भी करना शुरू कर दी. और इस टाइम क्या हुआ, फॉर्मेटिव स्टेज में फोर एसोसिएशन ज्योग्राफी में बन गई. इस स्टेज में फोर एसोसिएशन बन गई, जो पहले थी ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ मद्रास, दूसरी वाली थी नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन वाराणसी 1946 में जो बनी थी, एंड द रिसर्च वर्क वॉज इस्टेब्लिश्ड. और तीसरी एसोसिएशन जो थी वो ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया, एंड द फोर्थ वन इज़ बुलेटिन ऑफ नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी. ये फोर एसोसिएशन
फॉर्मेट के स्टेज में मतलब डेवलप हो गई थी, मतलब इंट्रोड्यूस हो गई थी। अब फॉर्मेट के स्टेज में उतना कुछ ज्योग्राफी में डेवलपमेंट नहीं हुआ। इंग्लिश जो थे, ब्रिटिशर थे, उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले स्कूल लेवल पर पढ़ाई जाने लगी, फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक आ गई। जब यूनिवर्सिटी तक आ गई तो सबसे पहले तीन यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस की गई, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना एंड यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एंड फिर फर्दर इसको और यूनिवर्सिटी में भी एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। एंड फिर इस पर जो एसोसिएशन बनी जो मैंने अभी आपको बताई। तो ये था फॉर्मेटिव स्टेज। नाउ हम स्टडी करते हैं इनफॉर्मेटिव स्टेज की। फॉर्मेटिव स्टेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसको डोमिनेट किया गया हुआ था दो स्कूल ऑफ थाट से, मतलब इट वॉज डोमिनेटेड बाई टू स्कूल्स ऑफ थाट। एक तो था ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट एंड द सेकंड वन इज फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट। अब बात करते हैं इनफॉर्मेटिव स्टेज की। अगर हम इनफॉर्मेटिव स्टेज को और फॉर्मेटिव स्टेज को कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि इनफॉर्मेटिव स्टेज जो है वो मोर डेवलप्ड है और ज़्यादा एडवांस है फॉर्मेटिव स्टेज से। इस स्टेज में क्या हुआ, इंडिया के अंदर कार्टोग्राफी वजूद में आए, मैप बनने लगे और रिसोर्स जो थे इंडिया के पास उनको लोकेट किया गया, जिससे इंडियन इकॉनमी इंक्रीज होने लगी। और इन्फॉर्मेटिव स्टेज में ही ज्योग्राफी वर्ल्ड लेवल पे यूज़ होने लगी, इंट्रोड्यूस होने लगी, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव स्टेज तक अभी अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट नहीं हुआ था और इस स्टेज में ज्योग्राफी अमेरिका के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो गई। ज्योग्राफी वॉज यूज फॉर कैरिंग आउट द रीजनल सर्वे, प्रिपेयरिंग रिसोर्स इन्वेंटरीज ऑफ डेटा एंड मैपिंग। और इन्फॉर्मेटिव स्टेज में क्या हुआ कि ज्योग्राफी के ऊपर कुछ बुक्स लिखी गई, कुछ किताबें लिखी गई। एग्जाम्पल के तौर पर ऑरेन सिंग्स, जिन्होंने अर्बन ज्योग्राफी के ऊपर अपनी किताब लिखी, अर्बन ज्योग्राफी ऑफ बनारस एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो ज्योग्राफी इसके ऊपर जो बुक लिखी गई इंडिया एंड पाकिस्तान, उन्होंने वो लिखी थी बुक ओएच के स्पैट्स ने। और इसी स्टेज में क्या हुआ कि ज्योग्राफी की ब्रांचेस भी आ गई, डिफरेंट ब्रांचेस आ गई एंड इट वॉज ऑल्सो द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। एस पी चतुर्जीज ने नेशनल एटलस बनाया, पब्लिश किया, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा इस फेज के लिए। एंड नेशनल थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस फेज। और इसी फेज के दौरान क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस फेज IGU इंटरनेशनल ज्योग्राफिक यूनियन सेमिनार वॉज हेल्ड एट AMU। तो ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे बड़ा सेमिनार होता है AMU, वो पहली बार इन्फॉर्मेटिव स्टेज में रखा गया AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। इसको सेलिब्रेट किया गया बाज़ाब्ता। और फिर कुछ नए साइंटिस्ट भी आ गए ज्योग्राफी के अंदर और ज्योग्राफी को फर्दर इंट्रोड्यूस किया गया और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और नए नए चेहरे आते गए ज्योग्राफी के स्कॉलर्स, और जो स्कॉलर वेल क्वालिफाइड थे ज्योग्राफी के अंदर, उन्होंने चाहे फॉरेन यूनिवर्सिटी से की हो, उन्होंने भी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट इंडिया के अंदर स्पेशली ज्वाइन करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इन्फॉर्मेटिव स्टेज के अंदर ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस आ गई। अब वो ब्रांचेस क्या थी, फिजिकल ज्योग्राफी आ गई, पीडोलॉजी आ गई, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ गई एंड ओशनोग्राफी। और अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था वो लैंड यूज़ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पर दिया गया था, ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इन चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था। इन ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर ह्यूमन ज्योग्राफी में देखा जाए तो ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था अर्बन एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ऊपर। एंड ऑल्सो कार्टोग्राफी वॉज गिवन ए वेरी गुड बूस्ट ड्यूरिंग दिस फेज। और ये जो वाला फेज था ये बहुत ही अच्छा फेज रहा ज्योग्राफी की डेवलपमेंट के लिए इंडिया के अंदर, मतलब इट वॉज ए टोटली गुड फेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया। एक्चुअली इट बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया। गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को साथ में ऑन कर दें। और अगर आपको ये हमारी एफर्ट पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड वीडियो के एंड पे आपको नोट प्रोवाइड किए जाएंगे, आप वीडियो को पास करके उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्फर्मेटिव स्टेज। In the history of Indian geography, the period from 1960 to 1917 may be termed as confirmative stage. Aur is stage mein kya hua ki PG got a recognized subject and syllabus was framed. Isi stage ke andar aur universities introduced, aur universities mein geography introduced hogi. During this phase, the number of universities with PG has increased up to 36 and a few new
जियोलॉजिकल सोसाइटीज़ एंड सम न्यू जनरल्स वेर ऑल्सो पब्लिश। तो इसी स्टेज में क्या हुआ कि कुछ और सोसाइटीज़ बन गई और नए जनरल भी पब्लिश हुए, और नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी की तादाद इसमें 36 होगी जहाँ पे पीजी ज्योग्राफी में करवाई जाने लगी। ज्योग्राफी एक्सेप्ट हो गया इस स्टेज में एज ए सब्जेक्ट, एकेडमिक सब्जेक्ट इन नियर अबाउट 36 यूनिवर्सिटीज़। और फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल जियोग्राफिक यूनियन जो सेमिनार थे वो भी ऑर्गेनाइज होने लगे। और स्पेशली 1968 IGU वॉज ऑर्गेनाइज एट बनारस न्यू दिल्ली। सो दिस वॉज ऑल्सो ए बूस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ये भी एक किस्म का बूस्ट था जियोग्राफी के लिए इंडिया के अंदर, स्पेशली इस स्टेज के अंदर। द क्वान्टिटी ऑफ डेटा वॉज ए रिलायबल डेटा एंड द क्वान्टिटी ऑफ रिसर्च वॉज साइंटिफिक एंड नेचर। और इस फेज के अंदर जो जर्नल पब्लिश हुए थे उनमें से कुछ ये हैं, ट्रांसैक्शन पब्लिश एट यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, जो दूसरा था वो इंडियन जर्नल ऑफ ज्योग्राफी जो जोधपुर में पब्लिश हुआ था, और जो थर्ड वन था वो ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट जो आगरा में पब्लिश हुआ था। एंड इट इज़ टू बी एडमिटेड दैट द फेज फ्रॉम 1960 to 1970 इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। और जो भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं इसी पीरियड के अंदर, इसी स्टेज के अंदर उनको एक्सेप्ट किया गया था दैट दीज आर द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। जैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हमारे पास जो भी हैं वो भी इसी पीरियड के अंदर एक्सेप्ट की गई थी एज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेज, दैट इज रिफॉर्मेटिव स्टेज। सिंस 1917 द इंडियन ज्योग्राफी हैज़ एंटर्ड द रिफॉर्मेटिव स्टेज, दैट इज द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। अब रिफॉर्मेटिव स्टेज में जब इंडियन ज्योग्राफी इंटर हुई तो यहाँ जाके सब्जेक्ट मैच्योर हो गया, यहाँ पे वेल कॉन्फिडेंस हो गया, यहाँ पे वेल डेवलप्ड हो गया था सब्जेक्ट और पॉपुलर हो गया था सब्जेक्ट। अब फाइनल स्टेज में क्या हुआ कि बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ज्योग्राफी के अंदर सेमिनार ऑर्गेनाइज किए गए, जिसकी वजह से ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट और बूस्ट होने लगा और पॉपुलर होने लगा अमंग द पीपल्स, और लोग इसकी तरफ माइल होने लगे, लोग इसको ज्वाइन करने लगे, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने लगे। और ज्योग्राफी इटसेल्फ लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ज्योग्राफी के अंदर आ गए, और लोग ज्योग्राफी की तरफ एज ए डिपार्टमेंट, एज ए सब्जेक्ट जो था ज्योग्राफी, उसकी तरफ लोग ड्रिफ्ट होने लगे। और फिर इसी स्टेज के अंदर ज्योग्राफी के अंदर तीन ऑर्गेनाइजेशन बन गई। जो पहली थी वो थी नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, एंड द फाइनल वॉज नेशनल बुक ट्रस्ट। और इन तीन ऑर्गेनाइजेशन ने जो ज्योग्राफी का लिटरेचर था इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, और ज़्यादा बूस्ट कर दिया। एंड द फेज फ्राम 1980 to 1919 सीन्स एज द स्टेज ऑफ स्पेकुलेशंस, मार्क द एरिना ऑफ कॉन्फिडेंस एमंग इंडियन ज्योग्राफर थ्रू आ पॉपुलर सेलेक्शंस, प्रॉपर सेलेक्शंस ऑफ अप्रोचेज, मैथडोलॉजीज एंड टर्मिनोलॉजीज। और जिस तरह हमारे ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवलेशन तो आ ही चुका था, अब ये हमारी जो ज्योग्राफी थी ये मोर मैथमेटिकल होगी, मोर साइंटिफिक होगी और बहुत ज़्यादा एडवांस होगी, और इसको कंसीडर किया गया एज ए साइंस सब्जेक्ट, कम्प्लीटली मान लिया गया था, क्योंकि ये सोशल साइंस और साइंस के बीच में एक ब्रिज बनाती थी। लेकिन यहाँ पे ये जो रेल बन गई थी, यहाँ पे साइंटिफिक बन गई थी थोड़ी बहुत, और मैथमेटिकल, क्योंकि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आ गई थी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इसमें इंटर हो गई थी, और ये रियल बन गई थी थोड़ा। एंड ज्यूरिंग दिस स्टेज देयर वर वेल ट्रेंड ज्योग्राफर फ्रॉम द वेल डेवलप्ड कंट्रीज। एंड फिर 1992 में क्या हुआ कि जो यूनिवर्सिटी की जो लेवल थी, वो जो नंबर था वो इंक्रीज हो गया, तब 60 पे जा पहुंची। आवर 60 इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफर्ड कोर्सेज इन ज्योग्राफी, एंड देयर वर आल्सो सम लीडिंग यूनिवर्सिटीज जिनमें काबिल नज़र थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एट चंडीगढ़, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। ये जो यूनिवर्सिटीज थी, ये जो 5-6 यूनिवर्सिटीज थी, ये ज्योग्राफी के अंदर लीडिंग थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी के अंदर काम होता था। और इसी स्टेज के अंदर ज्योग्राफी जो था वो एक मैच्योर सब्जेक्ट बन चुका था, अब उसके अंदर कोई भी लिमिटेशन वगैरह ना बची हुई थी, वो कम्प्लीट अपने आप में कम्प्लीट सब्जेक्ट बन चुका था। और हमने आज जो स्टडी की वो थी डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी ज्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। हमने 4 स्टेज इसमें डिस्कस किए, फॉर्मेटिव स्टेज, इनफॉर्मेटिव स्टेज, कन्फॉर्मेटिव स्टेज और रिफॉर्मेटिव स्टेज। आई होप गाइज कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, और अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, अपनी राय बताएं, हमारे साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो शेयर करते जाएं।
एंड हैव ए गुड फ्यूचर अहेड।